उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे नाम की व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद आज पीड़ित परिवार जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, साथ ही परिवार को एक घर, सरकारी योजनाओं का लाभ, बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है वो देने की बात भी की है। आपको बता दें, लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चिन्हट के थाना प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पर पीड़ित परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर पुलिस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे, जिसके बाद चिन्हट के जो थाना प्रभारी हैं अश्विनी चतुर्वेदी, उन्हें सस्पेंड किया गया है। मोहित पांडे की कस्टडी में मौत हो गई थी और ये उनका परिवार है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है परिवार को हर तरह की मदद देने का। 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो उन्हें दी जाएगी, एक घर जो है वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो भी उन्हें मिलेगा। साथ ही मोहित के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। हालांकि इस कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये मदद जो रहेगी ये परिवार को देने की सरकार की एक कोशिश है, ताकि कुछ हद तक उनका दुख जो है उसे बांटा जा सके, उसे कुछ कम किया जा सके। तो लखनऊ का ये मामला था, पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीधे तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगे थे और चिन्हट के जो थाना प्रभारी हैं अश्विनी चतुर्वेदी, उन पर भी यहाँ पर आरोप लगे थे, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये भी देखना आगे ज़रूरी होगा, उस पर भी नज़र रहेगी कि क्या कोई और कार्रवाई इस मामले में होती या नहीं होती, क्योंकि कई बार ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि सस्पेंशन क्या इस तरह के मामलों में काफ़ी है। पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या है ये पूरा मामला और यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि परिवार जो है इस वक्त जिस तरह के दुख से गुजर रहा है, उनके दुख को यहाँ पर, वो कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर दुख को बांटने की कोशिश जरूर की गई है। आप सही कह रही हैं, आज हरियाणा जाना था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, उससे पहले उन्होंने मोहित पांडे के परिवार से, उनके माता पिता पत्नी इन सबसे मिले, साथ में विधायक योगेश शुक्ला भी थे। आपको बताऊं कि शनिवार को शांति भंग की आशंका के आरोप में मोहित पांडे को लाया गया था पुलिस के पास चिन्हट में लॉकअप में, और उनके परिवार का आरोप है कि उनकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। कुछ वीडियो भी इस संदर्भ में आए हुए हैं और इस मामले में चिन्हट के जो थाना प्रभारी हैं अश्विनी चतुर्वेदी, उनको पहले ही निलंबित किया जा चुका है और एक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कल परिवार वाले जो है वो अंतिम संस्कार करने से पहले सरकार से एक भरोसे की मांग कर रहे थे कि कार्रवाई भी हो और साथ में मदद भी मिली, क्योंकि उसकी पत्नी है, ये हो रहा था कि पत्नी को सरकारी नौकरी, आर्थिक मदद मिले। तो आज जब परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी घर पर मुलाकात की तो 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है, दे दिया गया एग्जैक्ट, और सरकारी योजनाओं जिसमें वो उनका हक बन सकता है वो सरकारी योजनाओं की भी मदद देने की बात कही गई है आज मुख्यमंत्री की तरफ से। जी पंकज, ये भी बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ यहाँ पर सामने आया और किस तरह से देर रात मोहित को पुलिस के द्वारा उठाया गया था और उसके बाद मारपीट के आरोप जो हैं वो लगे हैं गंभीर तौर पर और कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। जी हाँ बिल्कुल, जो लॉकअप है जिसमें कि मोहित पांडे को रखा गया था, उस एक सीसीटीवी वीडियो आया जिसमें वो दिख रहा है कि वो फर्श पे लेटा हुआ है, 2-3 लोग उसमें बहुत परेशान है, उसके भाई भी उसको छुड़ाने के लिए आए थे और उनको भी लॉकअप में पुलिस ने बंद कर दिया था, और जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि अस्पताल में ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई, बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चोट के यानी जख्म के निशान मिले हैं और इसी आरोप में जो थाना प्रभारी है अश्विनी चतुर्वेदी चिन्हट के, उनको सस्पेंड भी किया गया है और जांच के आदेश भी दिए गए। परिवार ये कह रहा है कि इसके बड़े अधिकारियों से एक उच्च स्तरीय जांच इस मामले में होनी चाहिए। ये आरोप लग रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से, या फिर बीएसपी की चीफ मायावती हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन सब ने इसमें जांच की मांग की है और कहा कि पुलिस कस्टडी में मौत बढ़ती जा रही है, इसकी संख्याएं बढ़ती जा रही, घटनाएं बढ़ती जा रही है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत का अगर देखें तो पिछले 15 दिनों में दूसरा मामला बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।